स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास टेंटा मैथ्स बेटा मैथ्स का पेपर एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट था क्लास मैथ्स और मैं क्लास फिजिक्स की भी बात करूंगी एक साथ ही कर देती हूँ ये दो पेपर जो थे uh, मतलब मोस्ट हार्ड कहा जा सकता है क्लास टेंथ मैथ्स में कहूंगी कि बच्चे कह कहने बहुत पेपर लेंदी भी था बहुत टफ भी था तीनों सेट कह कहने डिफिकल्ट था और सिमिलरली इट गोज वि फिजिक्स के बच्चे भी यही कह रहे हैं कि हमें भी मॉडरेशन चाहिए हमें बोनस मार्क्स चाहिए तो बिना बोनस या मॉडरेशन के बच्चों को बहुत कठिनाई हुई है पेपर देने में तो मॉडरेशन पॉलिसी लगी हुई है बेटा और उसके तहत आपको बोनस मार्क्स दिए जाते हैं इट इज नॉट ग्रेस मार्क्स ग्रेस मार्क्स अलग होता है कि जब कॉपी चेक कर कॉपी चेक कर लिया फिर भी वो आपको पास नहीं करा पा रहा तो लास्ट में ग्रेस मार्क्स दी जाती है बट मॉडरेशन पॉलिसी इन्हीं बेसिस पे बनता है कि पेपर बहुत लेंदी है या कुछ सेट इजी है कुछ सेट बहुत डिफिकल्ट आ रहा है तो डिस्पैरिटी को पैरिटी में कन्वर्ट करने के लिए मॉडरेशन लगाई जाती है जैसे पाँच पाँच छः छः सात सात नंबर बढ़ा दिया जाएगा हर सेट के बच्चों का तो इससे फायदा क्या होगा कि ऑलमोस्ट सभी बच्चे विल बी पोस्ट टुवर्ड्स पास एटलीस्ट बच्चे पास हो जाएंगे और जिनके अच्छे मार्क्स ऐसा नहीं है कि उनको मॉडरेशन का फायदा नहीं होगा अगर मान लो कि आपका सेवेंटी आ रहा है तो मॉडरेशन लग जाएगी आठ नौ नंबर आपके बढ़ जाएंगे जो बच्चा सेवेंटी सॉरी सेवेंटी तो थ्योरी में आपकी नहीं आ सकती मान लो कि सेवेंटी परसेंट मैं कह सकती हूँ अगर सेवेंटी मार्क्स का पेपर है अगर मान लो आपको फिफ्टी फिफ्टी सिक्स आ रहा है

पेपर में डिस्पैरिटी हो सेट डिफिकल्ट हो कोई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस हो तो ऐसे ऐसे सिचुएशन में मॉडेशन पॉलिसी लगती ही लगती है तो बिल्कुल निश्चिंत रहो मॉडेशन पॉलिसी लगेगी कॉपी चेकिंग बहुत ही फेयर और बहुत ही लीनियंसी के साथ की जा रही है कहीं पे भी आपने लिखा है तो आपको नंबर टीचर दे रहा है ठीक है कहीं पर भी टीचर आपके मार्क्स काटने की कोशिश नहीं कर रहा कुछ बच्चे जैसे फिजिक्स हो या मैथ्स हो यूर नॉट नोइंग द प्रॉपर प्रोसेस लेकिन बच्चे फॉर्मूला लिख के आए हैं गिवन लिख के आए तो बेटा आप उसमें अपने मार्क्स काटो मत वहां पे टीचर आपको डेफिनेटली नंबर देगा एज एज मच पॉसिबल गिवन के भी हाफ मार्क्स मिलते हैं फॉर्मूला लिखने के भी हाफ मार्क्स मिलते हैं तो अगर आपने गिवन लिखा और सम हाउ रेलिवेंट आंसर लिखा है थोड़ा बहुत भी तो यू विल बी मार्क्स ठीक है टीचर्स आर ऑल्सो ट्राइंग कि बच्चों को ऐसे भी पास करें कुछ बच्चों को सेट टू डिफिकल्ट लगा फिजिक्स में मेरे हिसाब से रफली एटी है मेरे रिजल्ट में तो कितना आ सकता है

तो देखो मैथ्स भी सही नहीं गया तो सी तक इन्फॉर्मेशन गई है आपकी सारी चीजों की इन्फॉर्मेशन गई है फिज, बीट फिजिक्स बीट मैथ्स बीट क्लास टेंथ एस एस ट्री बीट क्लास टेन साइंस तो सी बी एस ई विल ट्राई हार्ड अगर आपकी कॉपी चेकिंग होगी और बहुत से बच्चों के नंबर इधर उधर होंगे तो मॉडरेशन पॉलिसी उसमें जरूर पड़ेगी करेक्ट इंग्लिश में फेल हो गए तो नहीं फेल का मतलब फेल नहीं होता अगर कोई बच्चा सारे पेपर में पास है लेकिन इंग्लिश में कंपार्टमेंट आ गई तो आपको कंपार्टमेंट उसका क्लियर करना होगा जैसे आपकी रिजल्ट आएगी उसके एक महीने बाद एग्जाम होता है कंपार्टमेंट का आप उसमें बैठोगे और आप उसको क्लियर करोगे ठीक है 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 सेट टू किसी को डिफिकल्ट लगा है। डिफिकल्ट लगा ऑफ कोर्स मार्किंग कब होती है। हाँ बेटा जब कॉपी आपकी चेक हो जाएगी ना कॉपी चेक हो गई मार्क्स देख लिया मान लो कि किसी बच्चे का दो सब्जेक्ट में कम पड़ रहा है पास होने से तो वहां ग्रेस मार्क्स उन बच्चों को दे दिया जाता है अटेम्प्ट लेने के पूरे नंबर हैं स्टेप मार्किंग बिल्कुल मिलती है चेकिंग भी भी होती है है पॉलिसी लगी हुई तो आप सबको अब फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं और आज ही सीबीएसई ने एक सर्कुलर रिलीज किया है जिसमें जिन जिन सेंटर्स ने आपका फीडबैक अभी तक नहीं दिया उन सेंटर्स से कहा गया कि ऑन टाइम फीडबैक दो क्योंकि तो तभी उनको पता लगेगा ना कि मॉडरेशन पॉलिसी कैसे पेपर में लगानी है किन पेपर में लगानी है तो ये आपके फेवर में एक सर्कुलर आज आई है तो स्टे पॉजिटिव स्टे हैप्पी